जहां पर मुख्यमंत्री के बाद में अयोध्या में भगवान राम आज पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है और आज मुख्यमंत्री के नाते मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर रायपुर स्थित दूधाधारी मठ पहली बार आगमन हुआ है और ये मठ 500 साल पुराना है और इसके संस्थापक पूज्य बलभद्र दास जी महाराज जो सिर्फ दूध का आहार करते थे, इसलिए इस मठ का नाम दूधाधारी मठ हुआ है। और आज यहाँ पर पूजा अर्चना किए हैं भगवान राम, सीता माता, बलभद्र भगवान, बालाजी भगवान, गौ माता का पूजा अर्चना किए हैं और इसके बाद हम लोग शिवरी नारायण जाएंगे। महाराज जी भी, आदरणीय राम सुंदर दास जी महाराज भी साथ में जाएंगे और शिवरी नारायण जो सबरी माता का स्थान है, वो सबरी माता जिन्होंने वनवास काल के दौरान भगवान राम को मीठे मीठे बेर खिलाए थे, वो सबरी शिवरी नारायण हम लोग जाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि ये भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की नगरी है और जिस तरह से मैंने कहा कि देश ही नहीं दुनिया में वातावरण पूरा राममय है और छत्तीसगढ़ में भी मकर संक्रांति के दिन से ही पूरा वातावरण राममय हुआ है और आज तो देखते बन रहा है सब तरफ पूरा राममय हो गया है। सब लोग भगवान का जिस तरह से भी पूजा अर्चना भाव भक्ति में लगे हुए हैं। अयोध्या से आपको न्योता नहीं आया है, क्या कहेंगे? जी, अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको न्योता नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, आज तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर और साधु संत ही रहेंगे। हम लोगों को आमंत्रण है लेकिन आज का नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि यहाँ पर दूधाधारी मठ पहुंचे, दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और इसके साथ अब यहाँ पर शिव नारायण पहुंच रहे हैं। और इस बीच अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी की, जो कि दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और जो अतिथि यहाँ पर पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और इस बीच यहाँ पर कार्यक्रम होगा, शुभ मुहूर्त 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या नगरी से। और अब आपको दिखाते हैं चार तस्वीरें। पहली तस्वीर है साउथ अफ्रीका के डरबन से, दूसरी तस्वीर है फिलीपींस से, तीसरी तस्वीर रूस के मॉस्को और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं युगांडा से, जहां पर किस तरह से पूरा विश्व राममय होता हुआ नजर आ रहा है। युगांडा में आप देख सकते हैं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, बाइक रैली निकाली गई। ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व का युगांडा एक देश है, जहां पर फिलीपींस में भी, मॉस्को में भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डरबन, आप साउथ अफ्रीका की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, विशेष तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां पर राम भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, राम भक्ति में लीन हैं और हर कोई आज प्रभु श्रीराम की भक्ति में डूब